हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बैग बनाएंगे। आपके पास भी कई बार होता है ना, कोई साड़ी की लेस बची होती है या कोई दुपट्टे का बॉर्डर पड़ा होता है। तो मेरे पास एक साड़ी का बॉर्डर पड़ा है, उसी का यूज़ करके ही मैं आज बैग बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये बॉर्डर है जो कि मैंने उतार लिया है साड़ी से। तो कई बार हमारा कोई जैसे दुपट्टा भी ख़राब हो जाता है या साड़ी होती है, उसका बॉर्डर हम निकाल के रख लेते हैं, तो उसी का यूज़ करने वाले हैं। तो दो क्विल्टेड पीस मैंने ले लिए हैं जो कि 11 बाय 12 इंच इनका नाप है। एक साइड को 11 इंच है और दूसरी साइड को 12 इंच है। तो क्विल्टिंग मैंने पहले ही कर ली है और हमने अभी ये मैंने हैंडल लिए हैं जो कि रेडीमेड वाले हैं। 25 इंच जो है हैंडल की मैंने लेंथ ली है। पहले हमने इसका सेंटर कर लिया। ये देखो, जो पीस हमने लिया है सेंटर करके दोनों साइड पे ढाई ढाई इंच पे निशान लगा दिया। और एक निशान मैंने ये देखिए 2 इंच पे लगाया है, जहाँ पे कि मैंने ये लाइन लगाई है सीधी। और जो हमने हैंडल लगाने के लिए एक निशान लगाया था उसके ऊपर, ये देखिए हमने हैंडल बिल्कुल सीधा करके ही ऊपर को रख के और यहाँ से स्टिच कर लेना, क्योंकि बाद में हमने यहाँ पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की रील के साथ ही सिलाई लगा दी, क्योंकि इसके ऊपर लेस लग जाएगी ना तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। बाद में मैं फिर ब्लैक कलर का धागा इस पर चढ़ा लूँगी मशीन पे। तो अभी देखिए, दोनों पे मैं हैंडल लगा लेती हूँ, दोनों पीसेस पे। ये देखिए हैंडल मैंने लगा लिए हैं। अब ये जो बॉर्डर है हमारा, इसको ये देखिए ऊपर रख के अब मैंने ब्लैक कलर की रील मशीन पर चढ़ा ली है। तो ब्लैक कलर के साथ ही अब मैं इस पर बॉर्डर को अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, ये जो मैं आज बैग बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो ये देखिए, एक बॉर्डर जो है मैंने लगा लिया, दोनों बॉर्डर लगा लिए। और बैक साइड पे मैं एक ही बॉर्डर लगाऊंगी, यहाँ पे दो नहीं लगाऊंगी। तो एक साइड पे मैंने दो लगाए हैं और दूसरी साइड पर एक ही लगाया है मैंने। अब हमने ज़िप लेनी है, तो ज़िप को उल्टा करके रख के ये देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो ये बैग बनाना इतना आसान है ना, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। और काफ़ी ये बैग जो है काफ़ी हमारे काम भी आते हैं। छोटे छोटे बैग या बड़े साइज़ के आप बना के रखोगे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही ये काम भी आने वाले हैं। और जो हमारा कोई साड़ी का या दुपट्टे का कोई बॉर्डर हमारे पास पड़ा है उसका भी, ये देखिए रीयूज़ करके हमने ये, अब ये जो ये देखिए यहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर लिया। यहाँ पर आप जो है कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हो। अब ये देखिए, ऐसे करके हमने ऊपर से दोनों साइड पे टॉप स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए, दोनों साइड पे मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारी जिप जो है लग गई है। जहाँ पे मैंने इंटरलॉक किया है वहाँ पे आप कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हो। अब ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से तीनों साइड से हमने सिलाई लगा देनी है। अब तीनों साइड से जो सिलाई लगाई है वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके तीनों साइड पे मैं इंटरलॉक कर लूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है इंटरलॉक ही कर लिया तीनों साइड पे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब कोई धागे वगैरह इसके नहीं निकलेंगे, तो इंटरलॉक के साथ मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब बैग को सीधा करके देखते हैं कैसा लुक आया है इसका। ये देखिए, तो बैग हमारा बनके रेडी हो गया है। तो देखो कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। और ये जो मैंने लेस इसके साथ लगाई है ना क्रीम कलर के साथ, इसके साथ इसका जो है लुक बहुत ही प्यारा आया है। तो बैग हमारा बनके रेडी हो गया। तो देखा ना आपने कितना बनाने में बहुत ही आसान है ये। ये देखो कितना सुंदर, ये डिज़ाइनर सा बहुत ही प्यारा सा बैग हमारा बनके रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।